हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर so दोस्तों आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहां पे भी हम लोगों को बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलने वाली है सो so इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा आज के दिन भी आपने बहुत सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा किसी भी वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करना कॉपी मत करना जितना हो सके जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो लिंक ऊपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे आईपीओ के मार्केट्स के हिसाब से एंड आपको पता है कि कल का दिन ये आखिरी दिन रहने वाला है दो पॉपुलर आई फिलहाल यहाँ पे चल रहे एक शाम मेटालिक्स एंड अगर मैं बात करूँ इस आई का रिस्पॉन्स ऑलरेडी हम लोग को कल के दिन देखने को मिला था आज के दिन भी आप देख सकते हो एंड कल तो और भी ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को मतलब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भरते हुए देखने को मिल जाएंगे सो ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर हम लोग बात करें फिफ्टी परसेंट के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि हम लोग कह सकते हैं अगर आप एक लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो शाम मेटालिक्स ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ये तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है क्योंकि अगर हम लोग सोना कॉम की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेंद बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल रहा है पाँच परसेंट छः परसेंट सात आठ नौ परसेंट ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है सो so, सेफ्टी के हिसाब से अगर आप चाहो तो शायद मेटेलिक्स को आप लोग चूज कर सकते हो अगर आप लोग लिस्टिंग गेंद के लिए देख रहे हो तो क्योंकि वहाँ पे ज्यादा प्रीमियम है इन द केस लिस्टिंग होते वक्त अगर बाजार में कुछ एक्स वाई एक्सवाइजी रीजन के कारण वो गिर गया मार्केट तो शायद से ज्यादा प्रीमियम होने के कारण वो एटलीस्ट आपको डिसेंट लिस्टिंग तो वहाँ पे दे सकता है सोना कॉमस्टर की अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग होने तक कोई भी नेगेटिव खबर बाजार में आनी नहीं चाहिए वरना इसमें लिस्टिंग ईजिली आउट हो सकता है सो so, निवेश करने से पहले इस पॉइंट को जरूर आप लोगों ने नोट यहाँ पे करना चाहिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई आर सी से आज आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है इक्कीस सौ के रेंज में अभी ये यह यहाँ पे आ चुका है बहुत ही शानदार कंपनी है हालांकि इनके नंबर्स देखना अभी भी यहाँ पे बाकी है सिर्फ आई आर से नहीं बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर आर वी के नंबर कब आएंगे आप देख सकते हैं आर वी एन एल धीमे धीमे थर्टी को भी क्रॉस करके आगे यहाँ पे बढ़ चुका है राइट सो so, यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी ऑब्वियसली हम लोग को क्वार्टर फोर के नंबर से यहाँ पे देखने पड़ेंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे बट अभी तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बी के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर इनके नंबर्स की डेट नहीं है

नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे आर बैंक के ऊपर एंड उसी के साथ साथ येस yes, बैंक के ऊपर दोनों से रिलेटेड जो न्यूज़ है बिल्कुल सेम है एंड वो है फ़िक्स डिपॉजिट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है अभी ये दो बैंक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे दे रहे हैं कोई मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके यहाँ पे एफडी डी कर लो सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल आर बी एल बैंक यहाँ पे हाइस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है एफ डी के ऊपर एंड उसके बाद येस yes बैंक का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है सो so ज़रूर इनको यहाँ पे इसके चलते जो कस्टमर्स रहेंगे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट वो यहाँ पे कर सकते हैं सो so ये सिर्फ अपडेट था जो कि आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेट्स की तो कल इन कंपनीज के नंबर है तो ज़रूर आप इस कंपनी के और यहाँ पे फोकस बनाए रख सकते हो नंबर इनके वक्त हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को सुनने को यहाँ पे मिलती है इसीलिए सारा डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आर ने एक और चीज यहाँ पे बैन कर दिया एंड वो है डी एच एफ एल ये दोस्तों आर बी एल बैन डी एच एफ एल फ्रॉम टेकिंग द डिपॉजिट्स अंडर द पिराल ग्रुप मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा खासा ये डिसीजन लिया गया ऐसा नहीं होना चाहिए कि डी एच एफ एल मतलब पिरामल ग्रुप आप लोगों को पता है इन्हीं को एक्वायर मतलब यही डी एच एफ एल को एक्वायर करने से रिलेटेड यह बातें चल रही थी सिक्सटी थ्री मून ने बीच में आके इन चीजों को रोकने के लिए कहा तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली एंड फाइनली जाके डी एच एफ एल का जो शेयर है वही ट्रेड होना बंद हो गया सो यहाँ पे आ ने उनको यहाँ पे बैन कर दिया कि अगर आप डिपॉजिट्स लेने जा रहे हो पिमल ग्रुप के मैनेजमेंट के थ्रू तो वो भी आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते ये भी एक अच्छा खासा डिसीजन फिलहाल आर ने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते एक इंपॉर्टेंट खबर की ओर जो कि है एच बैंक से रिलेटेड यस दोस्तों खबर अगर देखा जाए तो देखिए इम्पैक्ट कोई बड़ा नहीं है बट यस अच्छी खबर नहीं है मतलब आप सभी लोगों को पता है कि एच बैंक ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी है जैसे कि अगर मैं बात करूँ थ्री लैक्स आपको पता है नए जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है वो एच डी बैंक यहाँ पे गवा चुके हैं मतलब कितने करोड़ों का नुकसान ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है अभी किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे एच डी बैंक को ये बैन लगाया गया था आर के द्वारा कि टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे थे ग्लीचेज हो रहे थे राइट प्रॉपरली सिस्टम नहीं था प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था सो so दोस्तों इन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद पेनल्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगने के बावजूद वापस आज के दिन यस दोस्तों आज के दिन ही अगेन एच डी एफ सी बैंक में हम लोग को अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप जिन लोगों ने भी यूज़ किया था तो बहुत सारे यूजर्स ने आप देख सकते हैं इशूज से रिलेटेड अगेन कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज किए हालांकि एच डी एफ सी बैंक ने इससे रिलेटेड पुष्टि भी की येस एक्चुअल में इश्यूज़ भी थे एंड उन्होंने रिजॉल्व करके क्विकली इन चीज़ों को मतलब सॉल्व भी कर लिया सो so, यहाँ पे बताना यही चाह रहा हूँ कि जो एक खबर है ऑब्वियसली एच डी एफ सी बैंक जैसे बहुत बड़े बैंक के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक जीरो हो जाएगा नीचे गिर जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है बट यस अगर ये बार बार यहाँ पे होता रहेगा तो इनडायरेक्टली डैमेज लगता ही रहेगा एच डी एफ सी बैंक को जैसे मैंने कहा कि आर बी आई ने कहा था कि तीन मतलब क्रेडिट कार्ड आप लोग ने इशू नहीं कर सकते तो कितना बड़ा नुकसान हो गया राइट बहुत सारे हम लोग को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो फॉरेन कंपनीज़ थी वो भी बैन होते हुए देखने को मिली थी बीच में वो एग्जिट होते हुए देखने को मिली थी उसका भी फायदा वो नहीं उठा पाए सो इनडायरेक्टली लॉस ही एच बैंक को यहाँ पे उठाना पड़ चुका है देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें छोटी सी यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है एच बैंक यहाँ पे हम लोग कह सकते एटीनथ जून को यहाँ पे डिविडेंड कंसिडर कर सकता है डिविडेंड आ रहा है क्या पी कर ले इस चीज़ के लिए हम लोग पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे यूजअली नहीं करते कोई बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए बट हम कह सकते हैं कि डिविडेंड यहाँ पर मिल सकता है अभी मिलेगा नहीं मिलेगा उसी के लिए जून एटीन यहाँ पे रखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे डिसीजन लेंगे अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है राइट ये हमारा कोई कभी भी टारगेट नहीं होता है सो so, एच बैंक में वापस हम लोग को वही गड़बड़ देखने को मिली थी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आज के दिन के ही देखिए वापस इकोनॉमिक टाइम्स ने भी सेम चीज़ें कवर की थी ऐप सफर बहुत लंबे समय तक यहाँ पे इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे थे आप देख सकते हैं अनस्पेसिफाइड इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिले थे राइट तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात नहीं इतनी बड़ी बैंक है तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रॉपरली रिजॉल्व करना चाहिए देन अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे अदानी स्टॉक से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिच यस दोस्तों फिच ने अदानी पोर्ट के ऊपर जो हम लोग रेटिंग्स की बात करें जो चीज़ें वो बताते हैं वो ट्रिपल बी माइनस यहाँ पे कर दिया एंड आउटलुक भी उन्होंने नेगेटिव कर दिया जस्ट अभी अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है सो ये भी आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए हालांकि हालाँकि ने बोला है मतलब कोई फाइनल डिसीजन नहीं है बट आपको पता यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अदानी ग्रुप में जो भी चीज़ें हुई है उससे रिलेटेड पॉलिटिकली प्रेशर भी अभी बनाया जा रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको पता है देश के अगर दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पार्टीज की बात करें तो बीजेपी एंड कांग्रेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रेशर बना रहे गवर्नमेंट के ऊपर कि अदानी ग्रुप के जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी उसका आउटकम बता दो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि स्टॉक मार्केट इससे भी प्रभावित यहाँ पे होता है तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस ज़रूर बनाए रखना चाहिए एंड तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दो नहीं तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे यहाँ पे एन से रिलेटेड येस यह दोस्तों यहाँ पे एन में जो बताया जा रहा था कि वो जो तीन हम फंड को देखने को मिल रहे थे उनके अकाउंट फ्रीज है वो अभी भी हम लोगों को बीच में फ्रीज यहाँ पे देखने को मिले थे उसमें कोई गलती नहीं है बट यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि कहानी में ट्विस्ट यस yes. और कहानी में ट्विस्ट ये है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं इट इज द करेक्ट दैट द एन एस डी एल फ्रोज द अकाउंट ऑफ अ थ्री फॉरन फंड बट दैट परटेन्स टू सम स्पेसिफिक अकाउंट एंड हैपन वे बैक इन जून 2016, मतलब यहाँ पे जो बातें हो रही है वो ये बताने की कोशिश हो रही है जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें फ्रोज हुई है वो आपने बिल्कुल सही कहा है बट ये पुराना अलग मैटर है जो कि ये वाले मैटर से उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है एंड ये सारी चीज़ें ऑन द ऑर्डर ऑफ सेबी यहाँ पर हुआ था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंड जो ये फ्रीज़ हुआ था उसका जो लिंकेज यहाँ पे अदानी ग्रुप से लगाया जा रहा है वो एक गलत है आप देख सकते हैं नथिंग टू डू विद द अदानी ग्रुप कंपनीज जो कि लिंक लगाया जा रहा है सो so ये बताएं खुद यहाँ पे आप देख सकते हो किसने बोली एन एस डी एल के सीनियर ने ये यह चीज़ें यहाँ पे बोली है कि जो चीज़ें आप लोगों को फ्रीज़ होते हुए देखने को मिले बिल्कुल करेक्ट है बट ये 2016 से रिलेटेड अलग स्पेसिफिक मैटर है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं इसको लिंक अदानी ग्रुप से यहाँ पे ना करें फिलहाल तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है तो जैसे मैंने आपको कहा था ये और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है तो इससे रिलेटेड अपडेट आप लोगों ने यहाँ पे रखना है इवन दो अदानी के शेयर्स आपके पास रहे या ना रहे सो आए आशा कर दोस्तों जितने भी अपडेट्स वो यहां पे मैंने कवर कर लिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना सो दैट्स से थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल बी मीटिंग अर नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय